नमस्कार बच्चों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पाठ ग्यारह पार्क हाथ से निकल गया उसका कठिन शब्द अर्थ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वगैरह कर लिए थे। अब आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि पेज नंबर 8383 में है। पेज नंबर 8383 में है। तो आप लोग भी अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8383 निकाल लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सभी निकाल लिए होंगे। अब यहाँ है प्रश्न दो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 8383, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में है पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे। क्वेश्चन क्या है, पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे। तो ये प्रश्न हो गया हमारा। आप पहले ये हेडिंग लिखिएगा, फिर ये क्वेश्चन नोटबुक में, और उसके बाद उत्तर लिखने के बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। वे देखने से ही चालाक लग रहे थे। उन्होंने पार्क की लंबाई चौड़ाई नापनी शुरू कर दी। इसका उत्तर क्या होगा, पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे आने लगे। वे देखने से ही चालाक लग रहे थे। उन्होंने पार्क की लंबाई चौड़ाई नापनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो गया। अब ख में है पार्क का नक्शा कैसे बदल गया। पार्क का नक्शा कैसे बदल गया, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब नीचे उत्तर लिखेंगे। बच्चों के देखते देखते पार्क में लंबे चौड़े दो दर्जन मकान बन गए। दुकानें सज गई, बच्चे कुछ नहीं कर पाए। देखते देखते पार्क में दो दर्जन मकान बन गए, दुकानें लग गई, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर पाए। तो ये है हमारा आज का होमवर्क जो आपको टेक्स्ट बुक प्लस नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, इससे आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखने हैं। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर और आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम पेज को पलटते हैं। पेज नंबर 8484, पेज नंबर 8484। तो ये हम वर्ण संयोजन
करके शब्द लिखिए। कल हम लोगों ने इसे कर लिया था, ठीक है। अब हम इसका प्रश्न दो देखेंगे। प्रश्न दो पेज नंबर 8484 का क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। क्या है? विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। क में क्या है? डैश पार्क। आपको यहाँ देखिए, ये जो येलो कलर का सर्कल है उसमें बहुत सारे शब्द दिए, छोटे, बड़ा, दो, दो दर्जन, दस और नए। ये दो अलग है और दो दर्जन अलग है, ठीक है। तो अब ये क्या पार्क कैसा है? बड़ा है। ख में है चेहरे। कैसे चेहरे थे? नए। घर कैसे थे? छोटे। मकान कैसे थे? दो दर्जन। दुकानें कैसी थी? दस। कमरे दो, ठीक है। तो ये आपका क्लास वर्क है, फटाफट देखकर लिख लीजिए आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। उम्मीद है कल ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, लिखा हो गया सभी का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इसमें क्या हेडिंग है? पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। लगते थे जो बड़े गुरु, इस पंक्ति में आए शब्द गुरु का अर्थ गुरु शब्द से भिन्न है। गुरु शब्द अध्यापक, शिक्षक, विद्वान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु शब्द चालाक, धूर्त, कपटी आदि के लिए प्रयोग में आता है। तो ये क्या हो गया? एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, इसे क्या कहते हैं? जैसे हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं, वैसे ये भिन्नार्थक शब्द, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अब आप सोचिएगा कि ये गुरु और ये गुरु दोनों तो एक ही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये दोनों एक ही नहीं है। इसकी मात्रा देखिए और इसकी मात्रा, इसमें बड़ी उ की मात्रा है, इसमें बड़ी उ की मात्रा है, इस र में छोटी उ की मात्रा है, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है गुरु, रु, र में जोर डालते हैं, इसको सीधा गुरु, ठीक है। ये जो र में ऐसे करके और ऐसे थोड़ा रहता है नीचे झुका हुआ पूरा मात्रा, वो बड़ी उ की मात्रा हो गया। और जो र में ऐसा रहता है ऐसा, वो छोटी उ की मात्रा हो जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे गुरु, इसके र में हम जोर डालेंगे, लेकिन इसे हम बहुत ही साधारणतः पढ़ेंगे गुरु। इस गुरु का मतलब हो गया अध्यापक, शिक्षक, विद्वान। कहने का अर्थ है जिससे आप कुछ सीखते हैं उसे गुरु। तो ये गुरु का अर्थ हो गया अध्यापक, शिक्षक, और इस गुरु का अर्थ हो गया चालाक, धूर्त, कपटी इत्यादि, ठीक है।
तो इस तरह हमारे हिंदी भाषा के शब्दकोश में बहुत सारे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं जो कि हम लोगों ने आज तक ध्यान नहीं दिया। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम, अब इसको तोड़कर आप समझिए, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग, ठीक है। जो शब्द सुनने में एक जैसा लगे और उसके अर्थ भिन्नार्थक, भिन्न मतलब अलग अलग और अर्थ अलग अलग अर्थ निकले, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कैसे सब? जो शब्द सुनने में एक जैसे लगे परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, सम मतलब समान एक जैसा, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थ अर्थक अर्थ। तो सुनने में एक जैसे वाले शब्द का अलग अलग अर्थ लगे, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे बहुत सारा ऐसा शब्द दिया हुआ है जिसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें क्या है, कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर समझिए, इन्हें पढ़कर समझिए। यहाँ आपको बहुत सारे इस तरह के शब्द दिए हुए हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसे पढ़ के और समझना है, ठीक है। अब क्या है देखिए इसमें, वन हंस, हंस मतलब हंसना, हंसता हंसना हंसा, मूल शब्द हो गया हंस। अब ये व्याकरणिक शब्द, उसमें ना लगाइए ता लगाइए, हंसते हंसो हंसा, इस तरह मात्रा लगा के आप वाक्य के अनुसार इसे बदल सकते हैं, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, हंस। तो हंस का मतलब हंसना, ठीक है। हंसना क्या है, हंसना क्या है, क्रिया। और दूसरा है हंस, हंस क्या है, एक पक्षी का नाम। यहाँ देखिए हंस, इसे पढ़ेंगे हंस, यहाँ पे सिर्फ बिंदी है और ये चंद्र बिंदी है, इसमें चंद्र बिंदी है, इसमें सिर्फ बिंदी है, बस इन दोनों का अंतर है, ठीक है। अब है दूसरा समान, समान मतलब एक जैसा, एक समान। और सामान वस्तुएं, कोई भी चीज सामान वस्तु, तो उसे सामान कहते हैं, सा में भी मात्रा पड़ गई, इसमें समान है, ये समान है, ये सामान है, ठीक है। अब तीसरा है गृह,
ठीक है। तीसरा क्या है? गृह। गृह मतलब घर, और ये है ग्रह। ग्रह मतलब तारे, नक्षत्र। तारे, नक्षत्र, ठीक है। गृह और ग्रह, इसमें भी री की मात्रा है, ये र की मात्रा है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है। गृह और ग्रह। आगे है दिया। दिया दीपक, जो हम दिवाली में जलाते हैं, दिया मतलब दीपक। और द में छोटी ई, दिया। दिया मतलब देना, कोई भी सामान को देना, किसी भी चीज़ को देना, ठीक है। और यहाँ पे द में बड़ी की मात्रा, दिया मतलब दीपक। तो ये हो गया, बस इसमें थोड़े थोड़े ही अंतर हैं, कहीं मात्रा के अंतर है, कहीं उच्चारण का अंतर है। अब है असमान। आसमान, इसको क्या पढ़ेंगे हम? आसमान। आसमान का अर्थ हुआ आकाश। आसमान का अर्थ हुआ आकाश, गगन, व्योम। अब ये असमान, ये आसमान था, ये असमान। यहाँ आ में एक और मात्रा है, यहाँ सिर्फ अ है, ये छोटी अ, ये बड़ा आ। और समान मतलब जो एक जैसा ना हो, जैसे हम दो पेंसिल रखें। अब पेंसिल एक छोटी है, एक बड़ी है, तो क्या है? दोनों असमान है। जो एक जैसा ना हो। फिर है दिन। दिन मतलब दिवस। दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ऐसे दिवस। और द में बड़ी की मात्रा, दीन। दीन मतलब गरीब, दुखियारी, उसे दीन कहते हैं, ठीक है। हंस, हंस। समान, सामान। गृह, ग्रह। दिया, दिया। आसमान, असमान। दिन, दीन। जहाँ भी बड़ी ई, बड़ी यू होगा, वहाँ पे जोर डालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन लिखने में और अर्थ में वो अलग अलग होता है, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज पाठ खत्म हो रहा है, पाठ 11। अब है यहाँ पर पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 में है, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको रंग भरना है, ठीक है। इन चित्रों में रंग भरना है। इधर क्या है? इधर पेड़ पौधे हैं, ये एक आदमी है, ये कुआं है, कुआं नहीं तो झरना, जो सावर होता है, देखो बीच से पानी ऐसे निकल रहा है। इधर बटरफ्लाईज है, इधर फ्लावर्स है, तो आप अपने अनुसार इसे कलर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी हो गया, आज के होमवर्क में एक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिर क्या है? ये घेरा समय भी देखिए दिया हुआ है।
बच्चों के लिए पार्क जरूरी है? इस विषय पर घेरा समय में अपने अपने विचार रखिए। आपको सोचना है कि बच्चों के लिए पार्क जरूरी है या नहीं, तो ये भी आपको ओरल सोच के रखना है, ठीक है? ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।